काव्य पाठ के सांचे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी सम्मानित दर्शकों को रमन शांडिल्य का प्यार भरा नमस्कार। काव्य वानगी के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं गांधीवादी विचारक तथा दूसरा सप्तक के प्रथम कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध रचना सतपुड़ा के घने जंगल। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करती इस कविता को कोलकाता से साझा करने के लिए आ रही हैं हेमा भारद्वाज, जो काव्य में एवं चित्रकारी में रुचि रखती हैं तथा NIIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तो आइए काव्य पाठ के लिए हम स्वागत करते हैं हेमा भारद्वाज का। नमस्कार, मैं हेमा भारद्वाज श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सफल पटल से आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ मिश्र जी की एक खूबसूरत रचना, जिसका शीर्षक है सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते। वन्य का पथ ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर, चल सको तो दलो इनको, दल सको तो ये घिनौने घने जंगल। नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं। पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं। सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं। लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर। मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। कब से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर। पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूस डाले गोंद तगड़े और काले। जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती। और महुए से लपकती मत करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके गीत इनके बोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में खो खड्डों खाइयों में। घास पागल काश पागल शाल और पलाश पागल। लता पागल वात पागल डाल पागल पात पागल। मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। शिस्तित तक फैला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा। शुद्ध काली लहर वाला मथित उथित जहर वाला। मेरु वाला शेष वाला शंभु और सुरेश वाला। एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्जर और नाले इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी सौ हिरंदल चांद के कितने किरंदल। झूमते वन फूल फलियां खिल रही अज्ञात कलियां। हरित दुर्वा रक्त किसले पूत पावन पूर्ण रस में। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे भवानी प्रसाद मिश्र की यह अद्भुत काव्य कृति सतपुड़ा के घने जंगल। यह कविता हमें सीधे ले जाती है मध्य प्रदेश के आदिम कबीलाई इलाकों में। इस कविता में मिश्र जी ने दृश्य स्पर्श श्रव्य गंध का अनोखा विन्यास किया है तथा
कविता में शब्दों के अर्थ के अनुसार संगीत का अद्भुत प्रभाव, बिंबों का सघनता के साथ गूंथा जाना पाठकों को चमत्कृत कर देता है। अंग्रेजी में इसे किनेस्थेटिक इफेक्ट कहते हैं। सचमुच सतपुड़ा के घने जंगल हिंदी साहित्य की एक अनुपम रचना है। मिश्र जी ने हिंदी साहित्य को अनेकों कविता संग्रह दिए और उनके एक कविता संग्रह बुनी हुई रस्सी के लिए उन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता अपने सभी साहित्य प्रेमी मित्रों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। नमस्कार।